नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। पीर पंजाल के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सुरक्षा बल 5 दिनों से आतंकियों को घेरे हुए हैं। चुनौती भरे हालात में आतंकी डरकर अपने बिल में घुस गए हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों के साहस को देखकर लॉन्च पैड पर भी कई आतंकी इकट्ठा हो गए हैं। उन्हें खौफ सता रहा है कि कहीं एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बल उन्हें मिट्टी में न मिला दे। दिख गई आतंकियों की काली गुफा, अब होगा आतंक का अंत। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का भी खौफ। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। इस पहाड़ी की एक गुफा से उठता काला और सफेद धुआं बता रहा है कि कुछ देर पहले सुरक्षा बलों ने यहां आतंकियों को घेरा है। बिल में कायरों की तरह छिपे बैठे आतंकियों को पिछले 5 दिनों से इसी तरह ढूंढा जा रहा है। घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों पर कड़ी चुनौती के बीच सुरक्षा बल हर पल काल बनकर आतंकियों पर मंडरा रहे हैं। इसी जगह से एक आतंकी भागता हुआ दिखा था। ये एक नया मूव किया गया है जिसमें उसे आग लगा दी गई है ताकि जो गुफा के भीतर धुआं चला जाएगा, या तो उसके सफोकेशन से मिलिटेंट्स बाहर आएंगे या फिर उसकी गर्मी से अगर वो बाहर आए तो उनको निशाना बनाया जाएगा। सुरक्षा बल अब इस ऑपरेशन को आखिरी मोड़ पर ले आए हैं, यानी किसी भी वक्त आतंकियों के खात्मे की खबर आ सकती है। सुरक्षा बल लगातार रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर इन्हें निशाना बना रहे हैं। फिर से एक बार एनकाउंटर स्थान पर फायरिंग की आवाज शुरू हो गई है, धमाकों की आवाज शुरू हो गई है। आप सुन सकते हैं कि कैसे इस स्पॉट को जो है निशाना बनाया जा रहा है और UBGL और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है धमाकों और धुएं से आतंकी इन्हीं गुफा से बाहर निकल सकते हैं और बाकी का काम तमाम हमारे सुरक्षा बल कर देंगे। 120 घंटे से भी ज्यादा वक्त से पीर पंजाल की ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों में छिपे आतंकी जानते हैं कि उनका बच पाना नामुमकिन है। ऐसे में खुफिया जानकारी भी सामने आई है जिसके मुताबिक POK में छिपे आतंकी लॉन्चिंग पैड पर जमावड़ा कर चुके हैं। इन सभी को भारतीय सुरक्षा बलों के साहस से घबराहट हो रही है क्योंकि अब एक एक कर इनके साथी आतंकी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। खुफिया विभाग के मुताबिक POK में छुपे मिलिटेंटों के छोटे छोटे ग्रुप की जानकारी सुरक्षा बलों के पास है। वे घुसपैठ के लिए सही मौके की फिराक में हैं, लेकिन इनकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक जंगल में 2 शव ड्रोन से देखे गए थे। इनमें से एक आतंकी का है जबकि दूसरा शहीद हुए सैनिक का, जबकि 2 आतंकी अभी अपने बिल में छिपे बैठे हैं। वहीं POK में छुपे आतंकी लॉन्चिंग पैड पर जमा हो गए हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को भारत में दाखिल कराने की लगातार साजिश रच रही है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक POK के करीब 8 जगहों पर खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के मूवमेंट को नोटिस किया गया है, जो अलग अलग कई ग्रुप में बैठे हैं और जो भारी हथियारों के साथ जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इससे पहले भी खुफिया रिपोर्ट में चेताया गया था कि लगातार POK के जो टेररिस्ट कैंप हैं उनको LOC के नज़दीक शिफ्ट किया गया है। लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकी KG सेक्टर में LOC के पास घुसपैठ के लिए तैयार है। पुंछ सेक्टर में घुसपैठ के लिए 5 लश्कर के आतंकियों का एक ग्रुप है। लश्कर के 3 आतंकी POK के कोटली में मौजूद हैं, जबकि लश्कर के ही 4 पाकिस्तानी आतंकी POK के किरण वाली धोप में मौजूद हैं, जबकि 3 आतंकी POK के अंदा वाली धोप में मौजूद हैं। साथ ही जम्मू के सुंदरबनी सेक्टर में 3 आतंकी POK के नली में मौजूद हैं।
कुछ इसी तरह से जम्मू के सुंदरबनी सेक्टर में घुसपैठ के लिए लश्कर के 3 से 4 आतंकवादियों का दूसरा ग्रुप पीओके के सब्जी पोस्ट में घात लगाए हुए हैं। इन आतंकियों के पास हथियारों का जखीरा भी है, लेकिन इन्हें डर भारतीय सुरक्षा बलों का है। जानकारों की माने तो एक बार फिर ये आतंकी लॉन्चिंग पैड पर जमा हुए हैं। साफ है सारे आतंकी कैंप और लॉन्च पैड को LOC के पास भेज दिया गया है। इन्हें ISI ऑपरेट कर रहा है। अनंतनाग में जो इनकाउंटर चल रहा है, बारामूला और राजौरी में भी जो इनकाउंटर्स हुए हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI और आतंकी जो संगठन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो भारत के विरुद्ध बड़ी साजिशें रच रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन पाकिस्तानी सेना पर सीज फायर तोड़ने का भी दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर सुरक्षा बल हेरोन मार्क 2 ड्रोन से ग्रेनेड बरसा रहे हैं। मारा गया आतंकी भी इसी ड्रोन ने ढूंढ कर मारा था। इसे 15 किलोमीटर तक ऑपरेट किया जा रहा है। साफ है ड्रोन आतंकियों के मंसूबे पर पूरी और पक्की खबर रखे हुए है। बस मौके का इंतजार है। आपको बता दें कि ये मुठभेड़ 13 सितंबर से शुरू हुई है, जब जंगलों में सेना और पुलिस के तलाशी दल पर आतंकियों ने हमला बोल दिया था। इस हमले में 4 सुरक्षा बल शहीद हुए हैं। मनीष शुक्ला और खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।